नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश भर में किया शुभारंभ। कहा, जनपद में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% तक पा लिया गया है नियंत्रण। 2025 तक देश से टीवी को दूर करने का है लक्ष्य। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन के सभागार में किया संवाद। कहा, मन में विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कार्य नहीं है कठिन, छोटी छोटी चीजें हैं महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांसगांव में स्थित नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का लखनऊ से किया वर्चुअल लोकार्पण। कहा, 18 जनपदों के 25 नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का हुआ लोकार्पण, नागरिकों को आगजनी की घटनाओं में सेवा पहुंचाने में होगी आसानी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को सदर सांसद रवि किशन ने दी बधाई। कहा, देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया बड़ा दिल। गैलेंट सरिया के निःशुल्क भोजन वितरण वाहन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 1000 जरूरतमंद लोगों को करवाएगी शहर में घूमकर निःशुल्क भोजन। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह को लिखूंगा पत्र। दरिंदों को ना हो किसी तरह की सजा, केवल तत्काल हो फांसी। और बाबू मथुरा प्रसाद शीश महल धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जाफरा बाजार से पूरे शहर में निकाला गया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुराणों के अनुसार जो रथ यात्रा में शामिल होकर खींचता है रथ, भगवान जगन्नाथ पूरी करते हैं मनोकामना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने गृह जनपद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया। शुक्रवार को सुबह उठकर मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण किया और कालू और गुल्लू का दुलार किया। उसके बाद मुख्यमंत्री हिंदू सेवा आश्रम के जनता दरबार में पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने 400 फरियादियों की फरियाद को सुना, जिसमें अधिकतर मामले जमीन कब्जा और मकान कब्जे को लेकर आया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाए, तत्काल कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश में शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% तक नियंत्रण पा लिया गया है, या सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। एंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण पाने में समाज के हर एक तबके ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब हमें बची 5% बीमारी पर भी नियंत्रण प्राप्त कर एंसेफ्लाइटिस का पूर्ण उन्मूलन करना है। उन्होंने बताया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई तक चलेगा। लोक स्वास्थ्य सिर्फ उपचार का नाम नहीं है, बल्कि इसमें जागरूकता, अंतर विभागीय समन्वय व टीम वर्क का बड़ा योगदान होता है। इन सबको एक साथ लेकर चलाए गए कार्यक्रम का ही परिणाम है कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश दिमागी बुखार से उन्मूलन की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व तक जुलाई का महीना प्रारंभ होते ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार से मौतें होने लगती थी और 4 साल में आशा बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बेसिक शिक्षा के शिक्षकों, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से मिलकर तथा यूनिसेफ, WHO सहित अन्य संस्थाओं के साथ जुड़कर अंतर विभागीय समन्वय के अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी टीम वर्क का नतीजा है कि आज एंसेफ्लाइटिस व अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाने में कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एंसेफ्लाइटिस या दिमागी बुखार की चपेट में जो भी 5% बच्चे शेष रह गए हैं, हमें उन्हें भी बचाना है। दिमागी बुखार होने की दशा में बच्चों को समय से उपचार नहीं मिला तो वह जीवित रहने पर भी शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता है। हमने ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्र खोला है, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। हमें बीमारी को लेकर पहले से सावधानी रखनी होगी और यदि इसके बावजूद भी बीमारी हो गई तो समय पर उपचार दिलाना होगा। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों को सरकारी अस्पतालों में तत्काल विशेषज्ञों, चिकित्सकों के पास लेकर इलाज कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बीमारी हो तो वह चुनौती पूरे समाज की होती है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान हम सभी ने इसे महसूस किया है। बीमारी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चे समाज और देश के बहुमूल्य धरोहर हैं। इस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। उन्होंने कहा कि JEAES बीमारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 3 माह पर और वर्ष भर में 4 ऐसे अभियानों के साथ हम सभी को जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती हैं। कोई क्षेत्र एंसेफ्लाइटिस से प्रभावित है तो कोई मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या कालाजार से। अपने अभियानों व सामूहिक प्रयासों से हमने धीरे धीरे इन सभी बीमारियों पर नियंत्रण पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कालाजार पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में भी हम तेजी से अग्रसर हैं। फाइलेरिया नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सामूहिक प्रयासों से डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को TB मुक्त करने का संकल्प के साथ अभियान शुरू किया है। TB के मरीजों के मुफ्त उपचार की व्यवस्था की गई है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि यदि कोई TB का मरीज मिले तो उसे अस्पताल ले जाने व उसके उपचार की व्यवस्था के लिए शासन व प्रशासन की मशीनरी के साथ जुड़े, ऐसे मरीजों को गोद लें। शासन इसके लिए धनराशि भी उपलब्ध कराती है। यदि प्रदेश TB से मुक्त हो गया तो भारत को इससे मुक्त होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिमागी बुखार के चलते 1977 से लेकर 2017 तक 40 साल में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 50,000 बच्चों को खोया है। एंसेफ्लाइटिस को लेकर हमने जो लड़ाई लड़ी थी उसमें जनप्रतिनिधि और जनता भी शामिल रही। इसके उन्मूलन के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई का परिणाम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि एंसेफ्लाइटिस उन्मूलन की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वच्छ भारत मिशन की नींव है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरणा से स्वच्छता के विशेष अभियान चलाए गए हैं। शहर से लेकर गांव तक, मोहल्लों से लेकर गली तक वृहद स्तर पर लोग सामूहिकता के साथ इस अभियान से जुड़े। गांव में प्रधान से लेकर सांसद तथा शहरों में पार्षद से लेकर महापौर तक सब ने अपना योगदान दिया। स्वच्छता अभियान के साथ शुद्ध जल आपूर्ति के कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि दिमागी बुखार के उपचार के लिए बड़े पैमाने पर एंसेफलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पताल में पीडियाट्रिक्स आईसीयू की व्यवस्था की गई। बाल रोग विशेषज्ञ व अन्य स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सर्विलांस की गति को बढ़ाया गया। आशा बहनों के सहयोग से किसी भी बच्चे को बुखार होने पर बिना इंतजार उन्हें एंसेफलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर पहुंचाया गया। आवश्यकता होने पर उन्हें सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज लाया गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर बेड पर वेंटिलेटर और पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की तैनाती के साथ हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। आज इन सब का सकारात्मक परिणाम एंसेफलाइटिस नियंत्रण के रूप में दिखता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना की गई है। यह देश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जहाँ वायरोलॉजी सेंटर है। यहाँ विषाणु जनित हर बीमारी को चिन्हित करने की व्यवस्था है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आप लोग बाकी से लोग बाकी लोग खाली कर दे। हेलो, महाराज जी चेहरा इधर है, आप लोग खाली किसान को देख के रोकथाम हेतु दिशा निर्देश यानी पहला सूकर बाड़ों को मानव आबादी एवं श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी का, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी का, माननीय विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह जी का, सोसाइटी अप्रोच भी लगाया और इसीलिए गांव-गांव में निगरानी समितियां गठित हुई, शहरी क्षेत्र में हर वार्ड में निगरानी समितियां गठित हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसलिए यहाँ पर यद्यपि हम लोगों ने कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया है, ज्यादातर जनपदों में भी हम लोगों ने जीडीआरसी की स्थापना की है, लेकिन ये समाधान नहीं है। समय पे बच्चे को उपचार मिलना, पहले तो सावधानी हम इस बात की रखें सफाई के माध्यम से, शुद्ध पेयजल के माध्यम से, जानकारी देने के उपचार शुरू करना। समय पे उपचार हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर से हंसता खेलता आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर थोड़ी लेट कर ली तो दिक्कत हो सकती है।
और इसलिए 5% जो बच्चे अभी भी दिमागी बुखार की चपेट में आते हैं, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो, उन 5% बच्चों को भी पूरी तरह दिमागी बुखार जानकारी देकर के वैक्सीनेशन जब चलता है उस समय वैक्सीन देने की व्यवस्था, ये तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जो चलते हैं, इन सभी के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम करके पहले तो बीमारी से बचाओ। अगर आई गई बीमारी तो बीमारी आते ही बिना किसी लापरवाही के तत्काल उपचार शुरू करना। उपचार झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के नहीं, विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाकर के, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के और बिना किसी हीला इसको रोक दिया। देखिए आज प्रातः 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा संचारी रोग और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया, और शुभारंभ जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभागार से किया गया, जहां पर करीब 400 गोरखपुर की सम्मानित जनसंख्या उसका गवाह बनी। इसके साथ साथ सांसद रवि किशन जी, माननीय राज्यसभा सदस्य हमारे राधा मोहन अग्रवाल जी, विधायक पिपराइच, विधायक सहजन्मा, विधायक ग्रामीण, इसके अलावा जो है हमारे मेयर, ये लोगों ने मंच की शोभा बढ़ाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संचारी रोग महाअभियान को कैसे 2018 से लेकर के आज इस मुकाम पर ले आए कि जहां 2018 में JEES के मरीजों की संख्या हजारों में होती थी और मृतकों की संख्या सैकड़ों में होती थी, और उन्हीं का कुशल निर्देशन आज हम लोगों को इस मुकाम पर ला के पहुँचाया है कि आज की तारीख में हमारे पास JEES के केसेस की संख्या केवल 5 है और अभी इस वर्ष किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक कुशल निर्देशन का ही परिणाम है। और जहाँ तक बात करें कि संचारी रोग माह और दस्तक अभियान की बात होती है, इसमें एक माह ये चलने वाला कार्यक्रम होता है जिसमें 11 विभाग मिलकर के काम करते हैं। इसमें प्रमुखता जो होते हैं नगर निगम होता है, पंचायती राज होता है, शिक्षा विभाग होता है, कृषि विभाग होता है, जल निगम होता है और हमारा एनिमल हस्बेंड्री होते हैं, बेसिक शिक्षा होता है, सब लोग मिल करके और सबका एक मूल सिद्धांत होता है कि हम स्वास्थ्य स्वच्छता का संदेश दें, क्योंकि हम जैसे जितने जितने स्वच्छ होते जाएंगे उतने उतने स्वस्थ होते जाएंगे। इसके अलावा हमारी दस्तक अभियान जो होता है 15 दिन का होता है, जैसे इस बार 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक चलेगा, जिसमें हमारी आशा और आंगनबाड़ी घर घर जा कर के दस्तक देंगी और वहाँ पर वो बुखार के मरीज, ILI सारी के मरीज, ट्यूबरक्लोसिस के मरीज, मेल न्यूट्रिशन के मरीज, और इसके साथ साथ उनके घरों का भी निरीक्षण करेंगे कि उनके घरों में मच्छर पनपने की कोई जगह तो नहीं बनी हुई है। अगर कोई बुखार का मरीज मिलता है तो उन मरीजों को वो अपनी ANM को सूचना देती हैं, ANM उनकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराती है और उनको दवाओं का किट दे देती है। मच्छर अगर ज़्यादा पनप रहे हैं तो उनका सोर्स रिडक्शन करने की उसकी विधि उनको समझाई जाती है कि प्रत्येक सप्ताह जो है कूलर का पानी बदल दें, अगर कहीं पानी एकत्र हो रहा है तो उसको हटा दीजिए। इसके अलावा पूरी बांह के कपड़े पहनिए, घर में कहीं पर भी पानी एकत्र नहीं होना चाहिए, नालियों की साफ़ सफाई रखिए, और अगर स्वच्छ जल नहीं है तो उसको जो है ब्लीचिंग पाउडर या हमारा क्लोरीन टैबलेट डाल के कैसे उसका किया जाएगा, इस सब की चीज़ों की संदेश देती हैं। कुल मिलाकर के ये है कि संचारी रोग पखवाड़ा जो है ये स्वच्छता रोग पखवाड़ा होता है, स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूकता दी जाती है और अगर ये सब किया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से
गोरखपुर की जनता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सब लोग जो है खाना खाने से पूर्व अपने हाथ को धोएं, खाना खाने के पश्चात अच्छी तरह से करें, बाहर से आने के बाद हाथ मुंह धोएं, मच्छरों से बचने का पूरा उपाय करें, एक जो है कचरा हो कचरेदानी में सोएं, मच्छरदानी में, घर में कहीं पर भी अनावश्यक रूप से जल नहीं एकत्र होना चाहिए, और अपने छोटे छोटे बच्चों को पूरी बांह के कपड़े पहनाएं, और जो उनके शरीर के खुले भाग हैं उस पर मच्छर रोधी क्रीम लगा करके ही स्कूल भेजें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों से एनेक्सी भवन के सभागार में संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र व छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अगर हमारे मन में आत्मविश्वास है तो यह मानकर चलिए कि हमारे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है और छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। जीवन में किसी चीज़ को छोटा ना समझिए। अक्सर कोई छात्र कहाँ पर विफल होता है जहाँ वह यह मान लेता है कि यह मुझे याद ही है और मैं इसे कर लूँगा, उसको हल्केपन में लेकर नज़रअंदाज करने की जो आदत होती है या उसकी विफलता का कारण बनता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हर महत्वपूर्ण चीज़ को नोट करने की आदत डालना, नोटबुक बनाना, दूसरों के नोटबुक से नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई नोटबुक से अपनी तैयारी करेंगे तो अभी जनपद मेरिट में स्थान प्राप्त किया है तो अगली परीक्षा में आपका स्थान प्रदेश के मेरिट में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी परीक्षा हो उस परीक्षा की पूरी तैयारी करना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से पूरे देश से जुड़ते हैं और अपने तमाम बिजी शेड्यूल के बावजूद देश और दुनिया की किसी विशिष्ट घटना को लेकर समाज में कहां पर कौन व्यक्ति नया कर रहा है उसकी जानकारी हमें देते हैं, जिसमें बहुत सारी रोचक जानकारी मिलती है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सदर सांसद रवि किशन, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला सहित व मेधावी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हाई स्कूल के जिला टॉपर आकाश निषाद, इंटरमीडिएट की छात्रा कृष्णा प्रियांशी, जानवी शाही, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया और सदर सांसद रवि किशन ने कहा, आप भी पीछे पर देखने लगे, आवश्यक ताकत नहीं है या पीछे कोई ऐसी चीज होती है। देखो हम एक बार दोहरा दे रहे हैं, पीछे जब देखा है तो आगे पीछे ला रहे हैं। कौन मेधावी बच्चे हैं ये? और ये आगे की दो दो छुड़वा के रखने साथ में जो आएंगे कहीं देखो पीछे पीछे खाली स्वागत वंदन अभिनंदन। शिक्षा का चरित्र प्रकाश निसंदेह आज जो ये उत्सव हम देख रहे हैं, जो ये संवाद आयोजित और उनके सम्मान में आज हम सभी यहाँ एकत्र हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत वंदन अभिनंदन पूर्ण करती हूँ और आभारी हूँ कि हमारे नौनिहालों के शैक्षिक उन्नयन हेतु, राष्ट्र उन्नयन हेतु नित नए प्रयास जारी हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि किसी भी देश की नींव शिक्षा ही होती है, वैसे हमारा देश, हमारा परिवेश सब कुछ परिवर्तित होता जाता है। तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ कितना अद है, क्योंकि जब शिक्षा बदल जाती है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। हम समृद्ध, सशक्त एवं समर्थ भारत के स्वप्न को अगर
उसमें माता पिता गुरुजनों का समाज का सरकार का जब सबका प्रयास होता है तब वो बहुत ही प्रभावी होता है। क्योंकि आचार्य चाणक्य अगर हम शिक्षा में देखें तो राजनीति से लेकर शिक्षा तक उनकी बात को कल की हमारे कर्णधारी ने बहुत बहुत बधाई और समर्थ राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही है। अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, क्रम से हाई स्कूल के सभी बच्चे तैयार रहेंगे। पहला नाम है आकाश मिशाल, सार्थक मिश्रा ये इंटरमीडिएट में आखिरी नाम है, बहुत बधाई आपको। अब हाई स्कूल के बच्चे सामने आ रहे हैं, बच्चों जरा जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ो, मंच पर सामने आकाश है, बहुत बहुत बधाई आकाश। इसके बाद शौर्य चौरसिया, मोहम्मद हिजाम अजफार, आ जाइए। रानी चौरसिया, आकाश कुमार, इसी क्रम में आगे श्रेया सिंह, आगे बढ़ते हुए अभिनंदन कुमार, सभी को बहुत बहुत बधाई, तालियां बजाते तो अच्छा लगेगा बच्चों को, उनका हौसला बढ़े। आशुतोष चौधरी, अवंतिका निषाद, बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को, अवंतिका निषाद। इसके बाद आलिया हयात खान, आलिया हयात खान, अगला नाम है अक्यूब अख्तर, क्रम से आइए धीरे। शिवम शर्मा इंटरमीडिएट, वो अनुपस्थित है तो अगर उनकी माता जी यहाँ उपस्थित हो तो मैं सादर उनको मंच तक आऊंगा, वो अनुपस्थित है आज यहाँ। नाम मेरा आकाश निषाद है। उन्होंने कहा कि मतलब और अच्छे से पढ़िए और उन्होंने हम लोगों को बधाई दी क्योंकि हम लोगों ने जिले में प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया हुआ था पूरे जनपद में, तो उन्होंने बहुत सारी बधाई दी और भी बातें बताई परीक्षा के बारे में और आगे के करियर के बारे में बताया। क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना शुरू से ही एक IAS ऑफिसर बनने का रहा है और मैं BA करने के बाद और ग्रेजुएशन के बाद मैं IAS यानी कि UPSC क्रैक करना चाहूँगा। मैं अन्य छात्रों से यही संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग पढ़े तो रेगुलरिटी से पढ़े और अपने नोट्स बना करके पढ़े और उसको रिवीजन करते रहें तो उनका अवश्य बेहतर परिणाम होगा। मेरा नाम कृष्ण प्रिया मिश्रा, बहुत उन्होंने पूछा मेरा लक्ष्य पूछा और आगे क्या करना चाहते हैं। क्या आपका लक्ष्य, क्या बनना चाहेंगे? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और ग्रेजुएशन में मैम मुझे BLLB करना है। अन्य छात्रों को क्या प्रेरणा देना है जो अभी तक पढ़ रहे हैं? हाँ, उनसे मेरा यही कहना होगा कि आप मेहनत करें और साथ में लगातार मेहनत करें और अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और कभी हताश ना हो और मेहनत करते रहें। सर जानवी शाही, क्लास 12 नेशनल इंटर कॉलेज बड़लगंज। उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया और पूछा कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि हमें नोट बना के पढ़ना चाहिए, खुद के नोट्स होने चाहिए तो उससे हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे क्या बनना? मुझे डॉक्टर बनना है और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी मैं पढ़ना चाहूँगी। योजना के बारे में बताया है।
हाँ, अभी योजना के तहत हम लोग नीट जेई और एनडीए की कोचिंग कर सकते हैं। मंत्री जी ने आज बात किया, हाई स्कूल के टॉप 10 में जो बच्चे आते हैं वो 21 बच्चे हैं हमारे गोरखपुर के, और 12th में हमारे 12 बच्चे हैं। इस प्रकार 33 बच्चों से माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद किया था। कुछ निर्देश दिया गया सफलता के रहस्य, उन्होंने बताया कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है, जो बच्चों की भावनाओं को जाना और उनको मार्ग प्रशस्त किया कि कौन सी साइड अच्छी रहेगी, कोई साइड खराब नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें जाइए। और जो सरकार की योजनाएँ हैं, चाहे विधवा योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो उनकी कन्या सुमंगला योजना हो, छात्रवृत्ति को, सारे योजना के बारे में उन्होंने बताया। और साथ में जो अच्छी पुस्तकें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, जो प्रेरणादायक पुस्तकें 9 पुस्तकें जो थी हर बच्चों को दी गई हैं, बच्चों को सम्मानित किया गया है सर बच्चों। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं वैसे मेधावी विद्यार्थियों के साथ संवाद, क्योंकि हमारे गोरखपुर को अब ज्ञान का केंद्र कहा जा रहा है। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया, हमारे यहाँ बच्चे एक IAS में सहजनवा के 2 बच्चे, केदारनाथ शुक्ल रहे 2 बच्चे रहे, तो 2 एक IAS 2 IPS, तो वो एक रिजल्ट जो मिला महाराज जी को उससे बहुत बल मिला बहुत, और महाराज जी की बातों से बच्चे बहुत सीखे। महाराज जी ने उनको अलग अलग फील्ड में भी जाने के लिए कहा, तो बच्चे UPSC, ज़्यादातर बच्चों से बात हुई तो ये पता चला गोरखपुर के बच्चे वो सब देश की सेवा में आना चाहते हैं, IAS IPS अधिकारी बनना चाहते हैं, नीट से करके UPSC की के बोर्ड में ज़्यादा दिखाई दे। महाराज जी ने कहा कि आप लोग खेल में भी रुचि रखें और भी क्षेत्रों में आप लोग रुचि रखें ताकि आप लोगों का विकास अच्छे से हो। तो ये संवाद हमको लगता है, और अभिभावक भी थे, सारे प्रिंसिपल्स भी थे, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। स्पेशली महाराज जी ने स्पोर्ट्स से लेके भी, चूँकि वो चाहते हैं कि ओलंपियंस भी रहें हमारे बच्चे, खेल कूद में भी आ गए हैं, तो एक बहुत अच्छा एक संदेशा गया। और ये संवाद मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को, गोरखपुर को, और आप लोग मीडिया के द्वारा ये बात जो निकलेगी, हमारे और भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं और थोड़ा रुचि जिन लोग अच्छे हैं जो और आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा अच्छा पहल की महाराज जी ने, और इससे पता चलता है कि महाराज जी कितने सेंसिटिव हैं चीज़ों को लेके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बांसगांव थाना क्षेत्र के देवराण बाबू गांव में स्थित नवनिर्मित 8 करोड़ की लागत से बने अग्निशमन केंद्र का लखनऊ से वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा प्रदेश में 97 अग्निशमन केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी थी, जिसमें से 30 केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें से आज 18 जनपदों के 25 नवनिर्मित केंद्रों का लोकार्पण कर जनता की सेवा में समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में अग्निशमन विभाग में 3,000 फायर कर्मियों की भर्ती कर देने से इस बल की ताकत और बढ़ गई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार, SDM बांसगांव दिग्विजय सिंह, CO बांसगांव अंजनी कुमार पांडे, जगत राम कन्नौजिया, BDO ब्रिजेश कुमार यादव, नायब तहसीलदार अभिषेक मिश्रा, बांसगांव थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज 250 अग्निशमन केंद्रों तक पहुंच गई है। प्रदेश में अग्निशमन सेवा न केवल अग्नि दुर्घटनाओं बल्कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं पर भी अपनी सेवा देती रही है। इसी क्रम में आज अग्निशमन विभाग द्वारा 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कदमों से संपन्न हो रहा है। इस लोकार्पण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हुए हैं, उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगी पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस के पुष्पगुच्छ के माध्यम से हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें।
लिए मध्य स्वागत अभिनंदन वंदन पूरा निवेदन है कि हमारे मध्य अपर मुख्य सचिव गृह अति आदरणीय श्री अवनीश कुमार अवस्थी उनका लिंक देकर के इनको बताया जा रहा है और इनका व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने हर ब्लॉक में बना दिया है और इनसे प्रियजनों का संवाद बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। इनकी ट्रेनिंग भी हम लोगों ने 3 दिन की करवा दी है तो फायर प्रिवेंशन में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान सारा काम हम लोग कर रहे हैं। फायर फाइटिंग और फायर प्रिवेंशन के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में फायर अग्निशमन अधिकारियों का कर्मचारियों का बहुत सराहनीय योगदान रहता है। अगर कोई बिल्डिंग कलेक्स कर जाए कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, मेजर ट्रेन क्रैश हो जाए या कोई मेजर कलेक्ट हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से युक्त उन्हें फायर टेंडर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वह कैसे कार्य करता है, कैसे उसका बेहतरीन उपयोग आप कर सकते हैं, यह भी बाहर कुछ देर के बाद यहाँ पर देखने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। प्रदेश सिविल डिफेंस है, इन तीनों को फायर सर्विस के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, इससे जब भी इस तरह की कोई दैवीय आपदा आती है या मैन मेड डिजास्टर आता है उसमें हमारा रिस्पॉन्स बेटर हो सके। तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश भर में किया शुभारंभ। कहा, जनपद में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% तक पा लिया गया है नियंत्रण, 2025 तक देश से टीवी को दूर करने का है लक्ष्य। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन के सभागार में किया संवाद। कहा, मन में विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कार्य नहीं है कठिन, छोटी छोटी चीजें हैं महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांसगांव में स्थित नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का लखनऊ से किया वर्चुअल लोकार्पण। कहा, 18 जनपदों के 25 नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का हुआ लोकार्पण, नागरिकों को आगजनी की घटनाओं में सेवा पहुंचाने में होगी आसानी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को सदर सांसद रवि किशन ने दी बधाई। कहा, देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया बड़ा दिल। गैलेंट सरिया के निशुल्क भोजन वितरण वाहन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 1000 जरूरतमंद लोगों को करवाएगी शहर में घूमकर निशुल्क भोजन। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह को लिखूंगा पत्र, दरिंदों को ना हो किसी तरह की सजा, केवल तत्काल हो फांसी। और बाबू मथुरा प्रसाद शीश महल धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जाफरा बाजार से पूरे शहर में निकाला गया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुराणों के अनुसार जो रथ यात्रा में शामिल होकर खींचता है रथ, भगवान जगन्नाथ पूरी करते हैं मनोकामना। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर।
हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदर सांसद रवि किशन ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है। भाजपा की हमेशा से सोच रही है कि वह सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी, बल्कि देश के त्याग के लिए चुनाव लड़ रही थी। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया, जबकि मुख्यमंत्री उनको बनना था, उन्होंने अपनी सीट एकनाथ शिंदे को दे दी। इसलिए एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। अब भाजपा नई सरकार को सपोर्ट करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र खत्म हो रहा था, जिसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आगे आए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, हम बहुत अच्छा, इसमें देवेंद्र फडणवीस जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना दिल बहुत बड़ा बताया। एक भारतीय जनता पार्टी की सोच रही कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट के लिए नहीं लड़ रही थी या सीट के लिए कभी चुना, भारतीय जनता पार्टी त्याग के लिए, देश के त्याग के लिए, और उसका उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया कि मुख्यमंत्री उनको बनना था लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट उनको दे दी, शिंदे जी को दे दी, और शिंदे जी को मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जी के इस बड़े दिल को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा संदेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को दिया, और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस नई सरकार को, जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सपोर्ट करेगी और महाराष्ट्र को, जो महाराष्ट्र ख़त्म होता जा रहा था, जो डूबता जा रहा था, उसको फिर बचाने में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा पूरा तंत्र लग जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से गैलेंट सरिया के निःशुल्क भोजन वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में गैलेंट सरिया के संचालक चंद्रप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री के प्रेरणा से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी। उस समय फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा भोजन बनाया जा रहा था और 1500 व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था। जब कोरोना खत्म हो गया तो विचार आया कि क्यों ना एक किचन बनाया जाए, जिसमें गुणवत्ता के साथ भोजन बने और गरीब तबके के लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध हो सके, जो कि एक वक्त का भी भोजन नहीं जुटा पाते हैं। जिसको देखते हुए प्रयास किया गया और 2 करोड़ की लागत से एक
ऑटोमेटिक बेस किचन और बिल्डिंग तैयार की गई है। इसके साथ एक वैन को तैयार किया गया है जो कि प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा, शुरू में गोरखनाथ अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स पर लगभग 2-2 घंटे के लिए वैन जाएगी और जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध करवाएगी और जो सामग्री है उसको कलेक्ट करके वैन में रख कर वापस आ जाएगी, जिससे कि गंदगी ना फैले। अभी एक वाहन को तैयार किया गया है, भविष्य में आवश्यकता अनुसार वैन की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गैलेंट सरिया के संचालक चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने कहा, अरे नहीं, वो करवा पर चिपक रहा था सारे गाड़ियों पर। महाराज इधर थोड़ा पीछे दरअसल कोरोना काल में महाराज जी की प्रेरणा से गैलन ग्रुप द्वारा लॉकडाउन के दौरान ये भोजन व्यवस्था की गई थी, तो हमारे फैक्ट्री के कर्मचारियों के द्वारा भोजन बनाया जा रहा था और 1,500 आदमियों को उस समय भी हम लोगों ने सर्व किया। तो उसको करने के बाद ये विचार मन में आया कि अगर एक ऑटोमेटिक बेस किचन बढ़िया बनाया जाए जिसमें कि गुणवत्ता के साथ भोजन बने और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, तो उस दृष्टि से प्रयास किया गया। तो लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑटोमेटिक बेस किचन और बिल्डिंग तैयार की गई है फैक्ट्री कैंपस में गैलेंट के, और वहां से एक वैन ये तैयार की गई है जिससे अभी फिलहाल 1000 व्यक्तियों को प्रतिदिन मुफ्त भोजन वितरित करने की व्यवस्था है। शुरू में ऐसी योजना है कि गोरखनाथ चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एक एक 2-2 घंटे के लिए हर जगह ये वैन जाएगी, भोजन कराएगी और जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल है कलेक्ट करके, ताकि कोई गंदगी ना फैले, वापस वैन में रखेगी और उसको प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करेगी। अभी एक वैन संचालित हुई है, इसको प्रयोग के तौर पे किया गया है और ये 1000 वो लोगों का भोजन कैरी करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सक्षम है। भविष्य में यदि आवश्यकता समझ में आई और ईश्वर ने मौका दिया, सामर्थ्य दिया, तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। सदर सांसद रवि किशन ने राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना पर कहा कि आरोपियों ने दर्जी कन्हैया कुमार की हत्या कर माहौल खराब करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। इन दरिंदों पर कोर्ट, कचहरी या किसी तरह की सजा ना हो, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जघन्य अपराध किया है और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, देखिए ये जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गृह मंत्री अमित शाह जी से, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाएं और ऐसे दरिंदों को जितने जल्द हो इनको फांसी लगनी चाहिए। इसमें कोई इनको जेल रखना, सज़ा या इन पर कोर्ट कचहरी वाला झंझट ना ही रखे, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और इन लोगों ने जिस तरह से हत्या की, जिस तरह से एक मासूम इंसान की हत्या की, एक 3 बच्चों के पिता को, और जिस हिसाब से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, इन 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 हत्यारों को, इन दरिंदों को तुरंत फांसी लगनी चाहिए।
बाबू मथुरा प्रसाद शीश महल धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वावधान में जाफरा बाजार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ को कृष्ण जी का अवतार माना गया है। उनका पावन धाम उड़ीसा जगन्नाथपुरी में है। इसे प्रमुख धामों में से एक माना गया है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी को रथ पर विराजमान कर रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसकी मान्यता है कि जगन्नाथ जी 15 दिन तक अस्वस्थ रहने के बाद इस दिन स्वस्थ हुए थे। इसी बात पर सुभद्रा जी ने नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। अपनी बहन को नगर भ्रमण करवाने के उद्देश्य से रथ पर विराजमान होकर निकले, तभी देवर्षि नारद ने कृष्ण से प्रार्थना की कि ईश्वर आप तीनों इसी रूप में विराजमान हो। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि जो इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर रथ को खींचता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, जिसके संबंध में प्रमोद कुमार ने बताया कि यह रथ यात्रा सालों से निकाली जा रही है तथा यह रथ यात्रा शीश महल मंदिर से जाफरा बाजार, अंधियारी बाग, दुर्गाबाड़ी, चरणलाल चौक, आर्यनगर से थवई पुल, दीवान बाजार, पेनीगंज होते हुए शीश महल मंदिर पर समाप्त हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमोद कुमार ने कहा, नगर होते हुए दीवान बाजार होते हुए फिर ऊपर आप मंदिर स्थापित। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश भर में किया शुभारंभ। कहा, जनपद में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% तक पा लिया गया है नियंत्रण। 2025 तक देश से टीवी को दूर करने का है लक्ष्य। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन के सभागार में किया संवाद। कहा, मन में विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कार्य नहीं है कठिन, छोटी छोटी चीजें हैं महत्वपूर्ण।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांसगांव में स्थित नव निर्मित अग्निशमन केंद्र का लखनऊ से किया वर्चुअल लोकार्पण। कहा, 18 जनपदों के 25 नव निर्मित अग्निशमन केंद्र का हुआ लोकार्पण, नागरिकों को आगजनी की घटनाओं में सेवा पहुंचाने में होगी आसानी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को सदर सांसद रवि किशन ने दी बधाई। कहा, देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया बड़ा दिल। गैलेंट सरिया के निशुल्क भोजन वितरण वाहन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 1000 जरूरतमंद लोगों को करवाएगी शहर में घूमकर निशुल्क भोजन। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह को लिखूंगा पत्र। दरिंदों को ना हो किसी तरह की सजा, केवल तत्काल हो फांसी। और बाबू मथुरा प्रसाद शीश महल धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जाफरा बाजार से पूरे शहर में निकाला गया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुराणों के अनुसार जो रथ यात्रा में शामिल होकर खींचता है रथ, भगवान जगन्नाथ पूरी करते हैं मनोकामना। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।